नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज एडवांस होम्यो एंड फिजियो हेल्थ क्लिनिक के अपने इस चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक फीमेल डिजीज के बारे में। मैं आज बात करूंगा, उसका नाम है PCOD। PCOD इसको PCOS नाम से भी जाने जाते हैं। किस कंडीशन में PCOS कहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं बात करूंगा PCOD की। PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मतलब बहुत सारे, हिंदी में कहते हैं पॉली का मतलब है बहुत सारे, और सिस्ट सिस्ट का मतलब है, मानो सिंपली से समझ लो, पानी में भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वैसी संरचना होता है सिस्ट का। वो कहाँ पाई जाती है, जब वो ओवरी में यानी महिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की एक जो ऑर्गन है ओवरी, वहां पर मिलता है, तब इसे कहता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यानी बहुत सारे सिस्ट बन जाता है। तो उसी की वजह से बहुत सिम्टोम्स हमें मिलता है। क्या सिम्टोम्स मिलता है वो मैं बाद में आलोचना करूंगा। तो हमारे आज टॉपिक है PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। तो कौन सी एज में ये पाई जाती है ये आपको बता दें, तो फीमेल को ये रोग हम दिखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में दिखते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है मेनार्की जब स्टार्ट होता है, यानी मासिक जो शुरू होता है और लगभग 10 से 12 साल के अंदर शुरू होता है। उसके बाद से जब तक वो चलता है लगभग 45, 40, किसी किसी को 50 भी हो सकता है, तो उस फेज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अर्थात मेनार्की से मेनोपॉज होने के पहले तक, मेनार्की शुरू हुआ उसके बाद से हम इसको रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे, और वो चलता है मेनोपॉज के पहले तक। तो इस फेज में अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हमें देखने को मिलता है तो बहुत पेशेंट को, तो क्या-क्या लक्षण साइन एंड सिम्टोम्स मिलते हैं तो हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा लिखते हैं कॉज, कारण। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो होता है तो उसका कारण अभी तक, एक्चुअल जो कॉज है उसका कारण अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ये मानना है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जेनेटिक होता है, क्योंकि फीमेल जब पैदा होता है तो उनके साथ साथ जेनेटिक लेकर जो पैदा होता है उसमें ये ससेप्टिबिलिटी रहता है ओवरग्रोथ होने का। तो एक कारण है जेनेटिक, यानी उनके माता के होंगे, रहा होगा उनके माता के सिस्ट बनने का इतिहास, तो एक कॉज है जेनेटिक, हालांकि एक्चुअल कॉज अननोन है। नंबर दो, एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ एंड्रोजन, जब मासिक का समय होता है तो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन जो फीमेल हॉर्मोन्स होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना चालू हो जाते हैं। तो इन दोनों हॉर्मोन्स फीमेल हॉर्मोन्स है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और थोड़ा सा बॉडी एंड्रोजन भी निकलता है जो कि मेल हॉर्मोन्स है, वो महिला में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एंड्रोजन का लेवल बहुत ही बढ़ गया हो और जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो मेन फीमेल हॉर्मोन्स है वो कम हो गया हो, तो हार्मोनल इंबैलेंस होता है। इस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज देखने को मिलता है। तो एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ एंड्रोजन यानी जो मेल हार्मोन से वो उसका मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, और फीमेल जो हार्मोन है इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो कम जाता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर है, एंड्रोक्रिनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो इसके वजह से हमें कई सिम्टोम्स मिलते हैं। उस सिम्टोम्स क्या है, लाइक अनवांटेड हेयर, तो फीमेल के जिस जिस पार्ट में हेयर कम होना चाहिए तो वहां वहां बनता है ज्यादा हेयर, लाइक गाल में बहुत सारे बाल बन जाता है, बहुत ही बाल बन जाता है, और उसके साथ साथ पेट में, चेस्ट में, थाई में भी बन सकता है। तो अनवांटेड हेयर, अनचाहे बाल,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक लक्षण है, तो कॉज मैंने बताया नंबर वन जेनेटिक एंड नंबर दो एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ एंड्रोजन लेवल, तो एक बहुत बड़ा कॉज है। तो इस कॉज के वजह से हमें अनवांटेड हेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मिलते हैं फीमेल्स के, बच्चे की मिलते हैं, बच्चे भी कह सकता हूँ क्योंकि 12 साल से जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 11-12 साल में भी स्टार्ट हो जाता है, तो उन बच्चियों में भी मिलते हैं 14-15 साल या फिर 17-18 साल के भी लड़कियों में मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा 14 साल से लेकर 30-35 तक ज्यादा दिखा जाता है। तो जेनेटिक कॉज है, एक्सेसिव प्रोड्यूस ऑफ एंड्रोजन एक बड़ा कॉज है, और एनवायरमेंटल कॉज भी इसमें दाई है क्योंकि बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि शादी के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं, तो इसके वजह से भी कभी कभी ऐसा बनने का संभावना तैयार होता है। तो एक्सेस प्रोड्यूस ऑफ एंड्रोजन, जब एंड्रोजन हॉर्मोन्स यानी फीमेल्स में मेल हॉर्मोन का प्रोड्यूसिंग ज्यादा होगा, तो मैंने बताया अनवांटेड हेयर होगा और क्या होगा, अगर साइन मैंने एक बताया अनवांटेड हेयर, साइन एंड सिम्टम्स में और क्या क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये लेकर पेशेंट हमारे पास आते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी अनियमित मासिक, तो एक कंप्लेंट रहता है। कभी कभी ऐसा दिखा गया है कि मासिक महीने में तो एक बार होता है, 28-30 दिन में एक बार होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद मासिक हो रहा है, यानी डिले हो रहा है, बहुत लेट आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी दिखा गया 4-5-6 महीने, उसके अलावा एक ईयर भी स्किप कर जाता है, तो ये भी दिखा गया है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है पीसीओडी का। कभी कभी ऐसा भी दिखा गया महीने में 2 बार होता है मेंस्ट्रुएशन, हालांकि ये कम होता है, फाइब्रॉइड जिनका है उनमें ज्यादा होता है कि एक महीने में 2 बार हो गया, ज्यादा ब्लड आ रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन मेनली दिखा गया कि डिले होता है, बहुत लेट होता है मासिक, 2-3 महीने 6 महीने स्किप कर जाता है, तो फिर 3-4 महीने ये 6 महीने बाद जब मासिक पुनराय होता है तब ऐसा देखा जाता है कि हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट टायर्ड हो गया है, ऐसा लक्षण दिखा जाता है, और पेन भी रह सकता है, इसके साथ साथ दर्द भी बहुत रह सकता है। तो एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से मैंने एक सिम्टम्स मैंने पहले ही बताया कि अनवांटेड हेयर ऐसे बनता है, और हार्मोन का एक फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसके लिए बहुत सिम्टम्स डेवलप करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है पेशेंट में, तो इसी तरीके का सिम्टम्स डेवलप करता है। उसके साथ साथ मल्टीपल सिस्ट इन ओवरी, अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो मल्टीपल सिस्ट ओवरी में दिखा जाता है, और ओवरी बल्की हो जाता है, बल्की यानी भारी हो जाता है, सूज जाता है, मैंने लिखा है इधर मल्टीपल सिस्टिक ओवरी कहे जाते हैं या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी कहे जाते हैं। अब ये बताना है एक वर्ष में 12 बार मासिक होना चाहिए, कभी कभी ऐसा दिखा गया 8 से कम बार होता है, इसको भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के दायरे में ला सकते हैं हम। तो आपने देख लिया, मैंने लिखा है इधर उसके साथ साथ क्या और सिम्टम्स मिलते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा, थुलथुला हो जाता है, फ्लैबी पेशेंट पहले से थुलथुला हो जाता है, मोटापा आ जाता है, हालांकि कभी कभी वजन नहीं बढ़ता लेकिन थुलथुलापन जरूर आता है, एक लक्षण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की।
और क्या लक्षण मिलते हैं हमें? ओबेसिटी मैंने बोला, फुलथुलापन होता है। और जिस लड़की के इतने दिन चमकते हुए स्किन थे, इतने अच्छे स्किन थे, अचानक दिखा जा रहा है कि उनका उनको एक्नी हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, एक्नी, पिंपल्स, ऑयली स्किन, ये भी दिखा जाता है। और उसके साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन यानी स्किन में कालेपन आता है, विशेष करके फोल्ड ऑफ स्किन में, लाइक एक्जिला में नेक के जो फोल्ड है इधर क्या आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लैकिश स्किन। ब्लैकिश स्किन तो काले पड़ जाते हैं। मैं यहां पर पिक्चर लगा दे दो, आप देख लेना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है, केराटोसिस नाइग्रिकंस। और एक नाम है एकांथोसिस नाइग्रिकंस। इस नाम से वो जाने जाते हैं, इस जो ब्लैकिश जो हो जाना, स्किन स्किन का जो डिस्कलरेशन हो जाना। तो ये सब सिम्टोम्स हमें मिलते हैं। कभी कभी ये देखा गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ थोड़ा बहुत सिम्टोम्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ थोड़ा बहुत सिम्टोम्स हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म थायरॉयडिज्म में क्या होता है, वहां पर कब्जियत का शिकायत रहता है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कब्जियत का शिकायत रहता है, यहाँ पर भी पीरियड ठीक से नहीं होता यानी डिलेड हो जाता है, वहां भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन दिखा जाता है, यहाँ पर भी पेशेंट फुलतुलापन के शिकार होते हैं, थायराइड में भी यानी हाइपोथायराइड में भी पेशेंट फुलतुलापन का शिकार होता है। लेकिन इसमें एक डायग्नोसिस करने का एक तरीका है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में मेन समस्या तब होता है जब किसी लड़की के बच्चे नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका ओवरी ओवम सिक्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवम सिक्रेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म किसको फर्टिलाइजेशन करेगा, नहीं कर पाएगा तो फिर बच्चा भी नहीं होगा, तो ओवम नहीं बनता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए फीमेल्स में। और थायराइड में ओवम बनता है, वहां पर ओवम बनने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा फर्क है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में, एक बड़ा फर्क है। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल वो अलग बात है, लेकिन ये जो मैंने बात बताया ये फर्क पड़ता है, ओवम बनता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में नहीं बनता है, थायराइड में ओवम बनता है। अब ये कहूंगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किसे कहते हैं, जब किसी लड़की के ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन गया हो, उसके साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है, उसके साथ साथ यूएसजी में दिखा गया कि मल्टीपल सिस्ट है और उनके अंदर चिड़चिड़ापन और जो अनवांटेड हेयर है, ये सब सिम्टम्स मिलता जुलता है, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ना कह के हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। सिंड्रोम को मतलब है बहुत सारे लक्षण के समाहार। तो इस डिजीज से निजात पाने के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट, बायोकेमिक ट्रीटमेंट मैं जरूर बताऊंगा अगले पार्ट में, और फास्ट फूड से आपको दूर रहना होगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप बताना कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इसी तरीके की डिजीज रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।